सभी एकाग्र होकर बैठे। अपने मन बुद्धि को बाहर की जगत की ओर से इस अंदर की दुनिया की ओर ले चले। महसूस करें सुंदर सी लाइट को जो इस पांच तत्वों के शरीर को चला रही है। महसूस करें इस सुहावने पुरुषोत्तम संगम युग को, अपने इस ब्राह्मण जीवन को। कितना न ये श्रेष्ठ जीवन, स्वयं परमात्मा मेरा साथी है। देखिए अपने पूरे दिनचर्या को कैसे शिव बाबा आपके साथ है। सुबह से लेकर शाम तक, अमृत वेले से लेकर बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, साजन, सर्व प्रकार के रिश्ते। बाबा आपको भरपूर करता है। देखिए अपना जीवन अन्य आत्माओं से कितना ऊंच है। हम पूर्वज हैं, हमारी पवित्रता पूरे विश्व को एक पवित्र दुनिया में परिवर्तित करती है। अपने इस वैल्यू को देखे, बाबा ने आपको क्या से क्या बनाया, हम क्या थे, बाबा ने हमें क्या बनाया है, कैसे रोज हम आत्मा को ज्ञान श्रृंगार से भरपूर करते हैं। चले इस संगम युग पर अपने घर पांडव भवन मधुबन चार धाम की यात्रा। देखे शांति स्तंभ के आगे आप खड़े हैं, बाबा से शक्तियों से, शक्तियों की फाउंटेन जैसे आप पर पड़ रही है और आपसे पूरे विश्व में फैल रही है। वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस को फील करें। देखे अपने आप को बहुत शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं माया जीत प्रकृति जीत आत्मा हूँ। अपने आप को देखे एंजेलिक रूप में, फरिश्ते के रूप में शांति स्तंभ से चलते हुए लाइट की काया में, बाबा की कमरे में बड़ी प्यारी दृष्टि ले बाबा की,
देखिए बाबा आपको कितने प्यार से निहार रहे हैं, बाबा आपको अप्रिशिएट कर रहा है, वहाँ बच्चे वहाँ बाबा आपको वरदान दे रहा है, बाप समान बाबा वरदानों से नजरों से निहाल कर रहे हैं बाबा। चले हिस्ट्री हॉल में, देखिए आप सभी बड़ी दादियां दादाएं के संगठन में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार के संग बैठे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा उस आत्मा को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और देखे अपने उस वर्षे को जीवन मुक्ति सत्ययुग में अपने आप को डबल ताजधारी पूरा बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहा है। देखे कि मैं आत्मा में बड़ी अटेंशन से बहुत प्यार से पढ़ाई पढ़ रही हूँ। चले झोपड़ी के यहाँ पे देखिए, महसूस करें बाबा का हाथ अपने हाथों में है और जैसे शक्तियों के करंट आप में समाती जा रही है, आपकी पवित्रता की शक्ति बहुत बढ़ती जा रही है और बाबा आपको पर्सनली झोपड़ी में मुरली सुना रहे हैं। तो बड़े अटेंशन से और प्यार से बाबा की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली की डेट है 25 जून 1977। मुरली का शीर्षक है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज, सदा सच्ची दिल वाले सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूरत बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले, बाप दादा सभी बच्चों की विशेष दो बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथा शक्ति ऑनेस्ट और होलियस्ट कहाँ तक बने हैं। कौन सी दो बातें बाबा देख रहे हैं? एक है ऑनेस्ट और दूसरी है होलियस्ट कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंधों में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबर वार है। देखो बाबा ने यहाँ पर भी क्या कहा, ऑनेस्ट बनने में भी
बार है कई बच्चे। पहला, जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। ऐसी सच्चे दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है। जो सच्चे दिल वाले हैं वो दिल वाला बाप के क्या है, दिल तख्त नशीन है। और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। फॉर्म उठा देना है फॉर्म आपने। सेकेंड पॉइंट बाबा कहते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। देखो ऑनेस्ट अर्थात क्या, जो बाप के प्राप्त खजानों को जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। अगर मन्मथ और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते, स्वचिंतन की बजाय परचिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मन्मत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। देखो बाबा ने कितनी पॉइंट्स बताई है ना, जब मन्मत पर चल रहे हैं, परमत पर चल रहे हैं, समय, श्वास, वाणी, कर्म, हम अगर संग दोष परमत में गवा रहे हैं तो हम ऑनेस्ट नहीं है। स्वचिंतन की जगह अगर हम परचिंतन कर रहे हैं तो हम ऑनेस्ट नहीं है। तो बाबा कहते हैं उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो यह अमानत में खयानत करना है। इसलिए सबसे बड़ी ते बड़ी प्यूरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। तीसरा लक्षण बाबा भी बताते हैं, ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। क्या रहेंगी तीसरी बात, सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। चौथी पॉइंट बाबा कहते हैं ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। पांचवी पॉइंट बाबा कहते हैं ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। तो हमें चेक करना है कि बाबा का साथ और सहयोग के हाथ हमें सदा अनुभव होता है तो हम ऑनेस्ट हैं। सिक्स्थ पॉइंट, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में
चढ़ती कला का अनुभव हो। 7th पॉइंट, ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करे। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े ते बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। हमें बाबा से कैसे रहना है? बहुत ऑनेस्ट, हम जो है जैसे हमें अपने आप स्वयं को प्रत्यक्ष करें। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है। वह स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन करते क्या हो? कुछ बताते कुछ छिपाते हैं, और बताते भी है तो कोई साल्वेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर। चतुराई से अपना केस सज धज कर मन्मथ और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? बाप दादा वह निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ काल के लिए, देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा सब जानते हैं ना, और बड़ी निमित्त आत्मा भी जानते हैं, तो वो बोलते अल्पकाल के लिए हाजी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। बनने चतुर जाते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे? जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, हम बाबा के सामने चतुराई दिखाते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारी ही ऊपर जो हम दिल से राजी करना चाहते हैं वो राज से राजी हो जाता है, और वो हम अच्छे से कर नहीं पाते, उस जगह हम भोले बन जाते हैं, हमारा फ्यूचर प्रारब्ध के ऊपर है, जन्म जन्म की हार। देखो लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सयाना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। अल्पकाल की क्या है, जीत है, पर जन्म जन्म की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। और मैंने क्या कहा, समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं, फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। 8th पॉइंट, ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन न हो, हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। फाउंडेशन कैसा हो? अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया, और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन
छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुद को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म की पवित्रता, हद का संन्यास बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? बाबा पूछ रहे, पवित्रता के लिए कभी सीमा दी थी? स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? है ना, तो समय को मार्क्स मिलेंगे हमें नहीं। बाबा कहते हैं सदा काल के लिए पवित्र सुख शांति का वर्षा लो, समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है, तो ऑनेस्ट बच्चों के यह लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट, समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसे सदा सच्चे दिल वाले सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूरत बनने वाले हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के लिए रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। शेयर। ओम शांति। थैंक यू साक्षी सिस्टर। चल करे पॉइंट शेयर।
बोल सकते हैं आज बाबा ने ऑनेस्ट आत्मा की निशानियां बताई, लेकिन मुरली का टाइटल है पवित्रता के संपूर्ण स्टेज। बोलिए संगीता बहन जी, बोलिए। जी ओम शांति दीदी जी। तो इस मुरली जो पवित्र आत्मा की संपूर्ण स्टेज है, उसमें बाबा ने हमें बताया कि हम ऑनेस्ट और होलीस कैसे बन सकते हैं। जब हमारी सच्ची दिल बाबा से लगी है और अब हम सब कार्य में अपनी सच्चे दिल से करते हैं, तो हम ऑनेस्ट भी होंगे और होलीस्ट भी होंगे, क्योंकि हमारी दिल से जो कर्म होते हैं वो बाबा से रिलेटेड और पवित्र होते हैं। और बाबा ने बताया कि जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, वही राज्य तख्त नशीन बच्चे बन सकते हैं। और पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन का निजी संस्कार है। तो हमें ये दो शब्द पे चिंतन करके उसमें और पुरुषार्थ करना है। शुक्रिया, ओम शांति। जी दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। आज ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा बाबा जैसे प्रत्यक्ष हैं, जो हैं वैसे ही प्रत्यक्ष हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी जो हो जैसे हो, जो पुरुषार्थ कर रहे हो जो नहीं कर पा रहे हो, सही तरीके से बाबा के सामने प्रत्यक्ष करो, तो इतनी अच्छी बात है कि बोझ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तो आप छुपाते हो चीजों को, चतुराई करते हो, तो उससे बोझ बनता है ना। तो आप अपनी मनमत और परमत को मिक्स कर देते हो, और फिर जो निमित आत्माएं हैं वो समझ तो जाती हैं, लेकिन वो आगे आपको कुछ बोलती नहीं। उनको लगता है शायद इनमें शक्ति नहीं होगी करेक्ट करें अगर उन्हें, तो आपको लगता है कि ये आपकी जीत हो गई, पर ये जीत नहीं हुई है, कि आपके जन जन की हार है। तो सच्चे दिल से बाबा को कहो और सच्चाई से अपने आप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। बोलिए तारा बहन। जी दीदी, ओम शांति। बाबा ने आज पवित्रता के बारे में बताया, तो हम YouTube पर सुन रहे थे, एक होती है हाथ की पवित्रता और दूसरी होती है बेहद की। जैसे हाथ की पवित्रता, कोई मधुबन जाना चाहता है तो 1 साल के लिए पवित्र रहेंगे, फिर मधुबन जाएंगे, बोलेंगे कि अच्छा मैं वहां से आगे आ गया हूँ, तो फिर वो फिर अपने आप पवित्र, पवित्र नहीं रहेंगे। और जो बेहद की पवित्रता होती है, उसमें बेहद का संन्यास है, जैसे कि हम ब्राह्मण जीवन, हमारा ब्राह्मण जीवन ही हम पवित्र रहेंगे, और हमारा जो स्वधर्म है वो भी आत्मा का स्वधर्म ही पवित्रता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने मन से निराकारी रहना है, वाचा मनसा से निराकारी रहना है, वाचा निर्विकारी और कर्म से निरअहंकारी रहना है। और फिर हमें दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क में भी और स्वप्न में भी पवित्र रहना है, तब हम संपूर्ण पवित्रता पा सकेंगे, तब ही नंबर 1 आत्मा बन सकेंगे, और तभी हम बाबा के साथ जा सकेंगे। और बाबा ने बोला जो खजाना बाबा ने हमें दिया है, बाबा ने मुझे अमानत के रूप में बाबा की सेवा करने के लिए वो दिया है, अपने प्रति नहीं, वो खजाना हमें यूज करके और सभी आत्माओं को सेवा में सभी को ये रास्ता दिखाना है। ओम शांति। जी अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा बोलते हैं हमें सदाकाल का पवित्रता, सुख की शक्ति बाबा की याद से, बाबा की शक्तियों से लेना है। जो ऑनेस्ट बच्चे रहेंगे वो सदाकाल पवित्रता सुख की रहेंगे, बाबा से सुख की अनुभूति करेंगे। ओम शांति। जी भारती बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें बाबा से आगे
निमित्त बनी हुई आत्माओं का आज हमें बाप को प्रेस करना है। और भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला और समझ चतुरा से अपने को सच्चा सिद्ध करना है। बाप दादा वह निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते ही है कि खुश करने अर्थ अल्पकाल के लिए हाजू का पाठ तो पढ़ लेंगे, लेकिन हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है, इस रात को जानते हुए भी नारद नहीं रह सकते। तो बाबा कहते कि और आगे बढ़ने की युक्ति बाबा देते हैं, लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना उसमें फर्क होता है। ओम शांति। जी शैली बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने पवित्रता की संपूर्ण स्टेज के बारे में बताया ना, कि बाबा ने बोला कि जो जितना पवित्र होगा वो उतना ही होलीएस्ट होगा, और बाबा के साथ, बाप के साथ ऑनेस्ट होगा, कि दुनिया में भी लोग पवित्र रहते हैं लेकिन अल्पकालिक वो पवित्रता है वो पूरी रूप से मनसा वाचा कर्मणा। बाबा ने यहाँ पर बोला है कि हमें हर प्रकार से, केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है लेकिन हर तरह की हमारे अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, वही हमारी हाईएस्ट जो डिग्री है। तो बाबा ने बोला कि हम श्रीमत के बगैर, बाबा की श्रीमत के बिना अपना कोई भी, जो बाबा के खजाने हैं जैसे कि समय, श्वास, संकल्प, कुछ भी अपने मनमत और परमत के आधार पर यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए अगर उनको हमें यूज करना है तो एक एक जो जो बाबा ने सुबह अमृत वेला से लेकर रात तक जो हमें श्रीमत दी है उसी अनुसार उसको यूज करना, तब बाबा के साथ हम ऑनेस्ट हो सकते हैं और तभी बाबा का हमें दिल तख्त भी मिलेगा, क्योंकि बाबा दिल वाला है ना, तो हमारे दिल पर तो बाप ही विराजमान है, और जब हम हमारे दिल में बाप है तो बाप के दिल में भी हम ऑब्वियस है कि वही रिटर्न हमें मिलेगा, कि बाबा के भी दिल पर हम ही विराजमान होते हैं, तो वो ही निमित और निर्माण भी होगा। तो और भी बहुत सारी बाबा ने बताई है क्वालिटीज। ओम शांति जी। राजेंद्र भाई बोलिए, आपका शांति दीदी जी, बाबा ने आज बच्चों के एक रमणीक बात बताई कि बच्चे कहते कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब इसके आगे तो पवित्र रहना मुश्किल है, लेकिन बाबा कहते बाप ने ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी थी, और बच्चे तो खुद को निर्दोष साबित कर देते और खुदा के ऊपर दोष रख देते। बाबा कहते कि तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है सदा काल के लिए, क्योंकि सदा काल का राज्य भाग्य चाहिए, वो तो आज की पवित्रता होती है, 1 साल के लिए पवित्र बन जाते और उसके बाद में छोड़ देते, तो आपका तो बेहद का संन्यास है, जन्म जन्मांतर अपवित्रता का संन्यास करना है। ओम शांति। जी बोलिए सौम्या बहन। ओम शांति। बाबा का सच्चाई का बहुत सुंदर बाबा ने बताया है, और सच्चाई में जो बहुत अट्रैक्ट करती है, सच्चाई मीन्स अपनी आत्मा के गुणों में स्थित रहना। और बाबा कहते हैं कि ये पॉइंट बहुत ही सुंदर लगा मुझे कि ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो। अगर हम सच्चे हैं और अब बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, बाबा से सच्चे हैं, तो हमें हर कदम में समर्थ, हमारी कमजोरी हमारे ऊपर आ नहीं पाएगी। और अगर कहीं कमजोर हमारे, अगर कहीं संकल्प आ रहे हैं, तो इसके मतलब हम बाबा के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो सदा हर संकल्प में बाबा का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव होगा, अगर हम सच्चाई में हैं अपनी आत्मा की। और इससे बाबा कहते हैं कि अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर जो बोझ है, जो हम अपने ऊपर व्यर्थ के वो लाद लेते हैं, हम जो हैं जैसे हैं, अगर हम अपने आप को वैसे प्रत्यक्ष करेंगे, और बाबा जो है जैसा है, ये बहुत गहरा है, उसको उस स्वरूप में हम जानेंगे, तो हम सच्चाई में रह सकेंगे और हमारे बुद्धि के ऊपर के बोझ भी समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। जी वसुधा बहन बोलिए। ओम शांति। दीदी बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी प्योरिटी की, बड़े से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना, और उसके लिए बाबा ने ये 8 चेकिंग के पॉइंट्स बताए। उसमें से हमने काफी सारे तो डिस्कस किए। मुझे ये लास्ट भी बहुत अच्छा लगा कि ऑनेस्ट मतलब किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो, फाउंडेशन आपका अपने अनुभव के आधार पर हो, जो आपके लिए सच्चाई, आपके लिए ट्रुथ बन जाएगा।
ओम शांति। जी। पूजा बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाबा से जो हमें प्राप्त किए हुए खजाने मिलते हैं उसे सही कार्य में लगाए। ऐसा नहीं कि जब कार्य में लगाए तो अच्छी अच्छी गुण को प्राप्त करे और उसी खजानों को फिर गलत कार्य के लिए भी लगाए। तो हमेशा बाबा के साथ बाहर और अंदर से दोनों से सच्चाई और सफाई से रहेंगे तो बाबा हम पे हमेशा मेहरबान रहेंगे और उनकी हाथ बदानी हाथ भी हमारे सर पे रहेंगे। ओम शांति। जी और किसी को बोलना है कुछ? जी दीदी जी, तो बाबा ने कहा बाबा को उन बच्चों पर रहम आता है जो कोशिश करते हैं परंतु मुख में कुछ और अंदर कुछ और। तो बाबा उनको उलाहना नहीं देते परंतु उनको मोटिवेट करते हैं और उन पर रहम आता है कि इसका पुरुषार्थ और भी तीव्र हो और आगे बढ़े। तो ये भी एक पॉइंट अच्छा है। सारे बच्चे सब धारणाओं में या श्रीमत पे शायद सक्सेसफुल ना हो परंतु बाबा की मदद उन्हें बहुत मिलती है। ओम शांति। जी जी एक और दीदी पॉइंट है, बहुत अच्छा लगा कि उनकी उसकी पहचान ये होगी कि जो ऑनेस्ट होगा कि उसकी हर कदम में चढ़ती कला होगी, और चढ़ती कला कि जितना हम उस चीज को अपनी धारणा में लाते हैं प्रैक्टिकल उन चीजों को यूज करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि हमारी चढ़ती कला ना हो। हम शांति। जी दीदी, और चढ़ती कला दीदी होगी आप और कुछ बताएं। शुभ भावना और शुभ कामना सभी के प्रति होगा, क्योंकि अंदर में उनकी चढ़ती कला है तो उनके अंदर में खुशी ही खुशी रहती है ना, तो सभी को शुभ भावना और शुभ कामना देते रहते हैं, तो इससे मालूम पड़ता है। ओम शांति। जी तो पॉइंट तो शेयर किए सबने, लेकिन और कुछ कोई बोल रहा था? बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए गीता बहन। बाबा बोला, हाँ बाबा बोला जी, दिल सच्चाई सफाई रोएंगे तो बाप सबसमय हमारा पास साथ आए। ऐसे ही बाबा बोला जी, सच्चा दिल से साहेबा जी। ओम शांति। जी और भाई जी बोलिए। आज मुरली पढ़ते समय एक शब्द गलत बोला गया, किसी को नोट किया फिर किसी ने? हाँ भाई जी, खुदा खुदा शब्द चाहिए था, खुद बोला उन्होंने। हाँ हाँ, खुद को बराबर निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। है। यस यस, थोड़ा सा अटेंशन से सभी सुनना कि कई जी शब्द ऐसे गलत आते हैं ना, तो देखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब बाबा ने बोला था ना कि बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं, तो उन्होंने खुद दो बार पढ़ा तो इसका मीनिंग बहुत अलग निकलता है ना। तो कई बार हम बाबा को क्या करते, दोषी बनाते, बाबा आपके कारण हो गए, मैं तो कोई अच्छा ना। कभी कभी मनुष्य की ये एक्चुअली सच्ची बात बताए तो स्वभाव ही ऐसा कि कभी कोई भी बात हो गई तो दोष कभी स्वयं के ऊपर नहीं लगा कि मेरे कारण ये हो गया। ऐसे बहुत कम ब्राह्मणों में भी बहुत कम बच्चे हैं कि गलती होने पर भी उसको एक्सेप्ट करना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअली कुछ सेवा देते कुछ नहीं हो गई या तो कुछ आ गए तो क्या बोलेंगे, अरे नहीं मुझे इतना ये था वो था, फिर बहुत कुछ। बाबा बोलते हैं ना वकील बनना,
और वकील बनते और क्या करते, अपने बब्बा जो करते और बोलते कि नहीं उसके कारण हो गया, मैं तो रेडी था या थी। कई बार बाबा कहते ना ऐसे, वकील बनकर स्वयं को सिद्ध करते कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। लेकिन इसलिए बाबा ने आज जो बात बताई ना कि बाबा सब कुछ जानता है, फिर भी क्या करता है, उसको रखना कहते आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बाबा कभी ये नहीं बताता कि हाँ बच्चे हो गया तो जाने दो। अब बोलते जो कुछ ना, जो कुछ हमें करना है अभी करो। इसलिए थोड़ा सा आप सभी एक स्लोगन याद रखना, आगे बढ़ना है मुझे, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। हो गया ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति। जी, चलो भाई जी ने पूछा और काफी लोगों को वो समझ में भी आया, मतलब ध्यान से सुन रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। जो करेगा सो पाएगा, है ना। और क्या सार समझे इस मुरली का। जब पढ़ रहे थे तो चेकिंग करते हैं या सिर्फ सुनते हैं। जब मुरली पढ़ी जाती है, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, तो सिर्फ सुनने का काम होता है या साथ साथ चेकिंग भी होती है। क्या क्या करते हैं मुरली सुनते समय। या ऐसे पूछते हैं क्या क्या करना चाहिए। ओम शांति दीदी, बोलिए नीलम बहन। शांति बोलिए बोलिए ना नीलम बहन। बोलिए कामिनी बहन, बोलिए। हाँ दीदी, मुझे ये पूछना था, अगर ये चेकिंग अपन करते हैं। ज्यादा अभ्यास करते हैं और शरीरी बनते हैं तो प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा क्यों होता क्या 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 है। अपन बाबा को ज्यादा याद करते हैं ना, और शरीर बनने का पोशाक करते हैं ना, तो सामने से प्रॉब्लम, मतलब अपना अच्छा पोशाक हो रहा है दीदी। आणि आता मी मराठी मध्ये सांगू का दीदी तुम्हाला, मला थोडंसं सांगा येईना। तर सांगा। बघा, आपण चांगले बाबाला याद करतो आणि बाबाला याद करत करत आपली अशी स्थिती बनते आणि समोर खूप मोठा प्रॉब्लेम दिसतो, तर आपली कशी स्थिती लगेच हालते, म्हणजे ते हालत आपल्याला तर एकदम स्टाम राहायचंय की मला हे करायचंच आहे आणि आपण करतो पण पण ते थोड्या वेळासाठी ती माया येते आणि ते काम करून जाते, तर त्यात आपण हालचाल कसं होतो, म्हणजे अशी परिस्थिती लय येणार आहे। तर आता छोटे छोटे असं काय येत आहे पुढं की ती परीक्षा आहे का हे मला विचारायचंय। मुरली तर मी ऐकली पण माझा हे पॉइंट गोळत होता म्हणून मी तुम्हाला विचारते। ओम शांती। ऐसा है, माता ने पूछा है कि भाई पुरुषार्थ अच्छा करते, बाबा को याद करते या शरीरीपन का अभ्यास करते हैं तो बड़े बड़े पेपर सामने खड़े हो जाते और कभी कभी हिला के भी रख देते हैं वो। तो देखो, जी, यही मुझे पूछा। हाँ तो ऐसा है ना कि भाई मैंने पढ़ाई तो बहुत की, सारा मैंने अभ्यास कर लिया, लेकिन जब पेपर देने गई तो हर बात मुझे आउट ऑफ सिलेबस दिखने लग गई। माना पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है ना। हमें लग रहा है कि हमने बाबा को बहुत अच्छे से याद किया और अशरीरीपन का कहीं तो विधि में गलती है, क्योंकि अगर पढ़ाई ठीक से हुई है तो अच्छे से ही वो पेपर से डर भी नहीं लगेगा। और जो आप कह रही है वो पेपर भी है, तो आपकी पढ़ाई का पेपर आएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने पढ़ाई ठीक से की है या नहीं। एक बात ये, दूसरी बात, पढ़ाई ठीक से भी हुई है सपोज, हाँ, तो बाबा कहता है माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। जी, वही तो मुझे दोनों बात है, दोनों जी बात है। तो जी हम ध्यान से हम देखे कि मैं वो हलचल मुझे कहाँ तक फटका के ले जाती है वो माया, या मैं तुरंत उसको परख कर कंट्रोल कर लेती हूँ।
अगर परख कर मैंने कंट्रोल कर लिया, माना मेरा विधि पूर्वक चल रहा है अभ्यास, और हाँ अगर हथका के ले जाती है सब, तहस नहस करती, और उसके बाद मुझे पता चलता है, तो फिर विधि में गड़बड़ है। ठीक है, ऐसा है देखो। ठीक है, तो किसी ने लिखा, मुरली जब सुनते हैं तो दोनों करते हैं, अब रियल मी कौन है पता नहीं। तो बहुत सारी बातें करनी चाहिए जब हम मुरली सुनते हैं ना। एक तो सुनते समय भाई जी कुछ बोलना है आपको, बोल सकते हैं। क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा और भी हम जोड़ देते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो समस्या आने वाली है वो तो आती ही है। मतलब बाबा ने एक साकार मुरली में भी कहा था ना, कई ऐसे बोलते कि बाबा के बच्चे बन गए तो इसके कारण ये हो गया, लेकिन वैसे तो बाबा बोलते हैं कि ये तो कोई बाबा तो कहते परिस्थिति तो आएगी और आगे आएंगी, माया तो बड़ा बड़ा रूप लेकर, लेकिन हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ सामना करना परिस्थितियों का। इसके लिए तो कई बार मानो बाबा जो हमें शक्ति दे रहा है या युक्ति दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो ठीक है, एक दो बार अगर पहली बार है तो मैं आप ज्ञान में थोड़ा हलचल हो रही है तो थोड़ा सा उसके अंदर जाना, अपने अंदर जाना ना। तो ये हलचल क्यों आ रही है थोड़ा सोचना, और सोचकर उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना। ऐसा नहीं सोचा बहुत है और कुछ ऐसा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या करेंगे प्रैक्टिकल हम सोल्यूशन निकालो, ताकि उसको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो हर एक के जीवन के देखो, हर एक जितने भी अभी ग्रुप में जुड़े हैं, हर एक के ऊपर कोई ना कोई परिस्थिति आती ही है। आप सोचो ना, आपके ब्राह्मण बाबा के बनने के बाद क्या क्या परिस्थिति नहीं आए, घर वालों से आया, बाहर वालों से आया, रिश्तों से आया, मित्र ना, जो कुछ है हमारे गांव वाले सब कुछ, लेकिन हम भी उसको फेस करके अभी तक ब्राह्मण तो है ही ना सभी, ये भी सबके कमाल है ना। और इसीलिए तो देखो बाबा ने हमें चुना है, और कितने लोग चले गए ज्ञान में, हमें जिसने ज्ञान दिया वो भी चले गए, ऐसे कितनों के है ना। तो कहने का भाव ये है कि थोड़ा सा अपने अंदर जाकर, इसलिए तो हम साकार मुरली अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे, चिंतन कर रहे, मनन कर रहे, डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में अनुभवों की लेन देन कर रहे हैं। इसका कारण ही वही है कि हमें थोड़ा सा क्या करना है कि अपने स्व परिवर्तन के लिए स्व चिंतन की आवश्यकता है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति भाई, ज्यादा आगे बढ़ेगा तो ये सामने से परीक्षा आती तो मेरे घर से नहीं, लेकिन दिखाई देता है कि वो आ रही है, तो मुझे कितना मजबूत रहना पड़ेगा, वो दिखाती परीक्षा आती तो है समझे कि ऐसा। आप अगले अगले का क्लास में जा रहे हैं ना, हाँ परीक्षा आती है तो हमें पास होना है, बस यही ध्यान रखना, परीक्षा आ गई तो पास होना, बस टारगेट जी रखना कि जितना ज्यादा एग्जाम उतना ज्यादा हमारा पद भी है, प्राप्ति भी है, सब कुछ है। हाँ जी, ओम शांति। जी, जितेंद्र भाई बोलिए। जितेंद्र भाई आप बोल सकते हैं, आपका हैंड रेज था। दीदी भाई मिस्टेक हुआ है वो। अच्छा ठीक है, तारा बहन बोलिए। जी मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मेरे ऊपर कभी भी जब भी कोई भी परिस्थिति आती है, मैं दो तीन चीज फॉलो करती हूँ। एक तो बाबा तो साथ रहता है कंबाइंड रूप में, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ अपने आप को, मैं ऊपर चली जाती हूँ ताकि ऊपर से हम बोलते हैं कि ये सब मेरा कुछ नहीं है, ऊपर से देखती रहती हूँ, जैसे बोलते हैं
राई को रुई बना दे। दूसरा मैं करती हूँ कि अपने आप को मैं अपने आप से बात करती हूँ, हमें तो घर जाना है, ये सब परिस्थिति ये सब यहाँ साकार का है, ये मेरा नहीं है, मुझे घर जाना है, मैं वहाँ का घर परम धाम याद करती हूँ। तो दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज बाबास प्रॉब्लम। फिर मैं ऐसे बोलती, बाबा ये सब आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाओ, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, ऐसे मैं करती हूँ। तो फिर मैं एकदम हल्की हो जाती हूँ। ओम शांति। थी, अच्छी भी थी है। और किसी को कुछ कहना है? हो गए सबके पॉइंट शेयर करने? दीदी एक बात है, जब कोई विघ्न आते हैं तो जैसे अभी तारा दीदी ने बताया कि बाबा ये आपका प्रॉब्लम है, तो उसके बजाय हम ऐसा कह सकते हैं कि बाबा हमें शक्ति दो कि हम झेल सके वो प्रॉब्लम को, उसका सामना कर सके, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरा है ना, पार्ट मेरा है, वो ड्रामा का जो पार्ट हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, सबका अलग अलग है, तो बाबा का प्रॉब्लम क्यों है? बाबा तो जिम्मेवार नहीं है ना, मेरे कर्म के हिसाब से मेरे पे जा रहा है, वो मेरे को भोगता है, परंतु हम बाबा से वो शक्ति ले सकते हैं, और जो मैं लेती हूँ कि बाबा अभी ये परिस्थिति है तो मेरे को शक्ति मांगनी नहीं है, हम वारिस बच्चे हैं, तो वो अधिकार से लेनी जे अधिकार से, तो फिर वो उसी का तो पुरुषार्थ हमारा होता है ना, कि हम उसको है। कैसे। वही हमें भी लग रहा था, बट अभी वो कैसे उन्होंने वैसे अनुभव लिए हैं तो डेफिनेटली फिर होगा, क्योंकि हम ना ज्ञान को चैलेंज कर सकते हैं पर किसी के अनुभव को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत पर्सनल बात होती है, देने वाला वो और लेने वाले वो, तो हम किसी के अनुभव को नहीं चैलेंज कर सकते। अगर जी उन्होंने जी जी इस हाँ उन्होंने अगर इस विधि से अनुभव लिए है तो डेफिनेटली शी इज राइट। हाँ, लेकिन अब ज्ञान और उसके आधार से अगर हम कहें तो डेफिनेटली देखो, अपना पार्ट है, हमारे कर्म का हिसाब किताब है, हमें चुकतू करना है। घर तभी जा पाएंगे जब हिसाब किताब चुकतू कर पाएंगे, है ना? चुकतू करेंगे तभी जाएंगे, है ना? एक तो ये बात, दूसरा बाबा साथ दे रहा है ना, और सर्वशक्तिवान साथ में है, ये कब पता चलेगा? क्योंकि हम तो ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं, लेकिन परिस्थिति बड़ी लगती है हमें क्योंकि कमजोर है, लेकिन साथी मेरा कौन है, बस ये संकल्प आ जाता है तो बस पूरा। और कैसा है पूरा? सर्वशक्तियों से वो मुझे साथ दे रहा है, जैसे आपने कहा मांगना भी नहीं पड़ेगा, बस स्मृति में लाना है कि मैं कौन हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, और कैसी हूँ, सदा विजयी हूँ, है ना? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे निश्चय है। तो ये ऐसी ऐसी बातें, बस बातें याद करो, वो बात पता ही नहीं कहाँ उल्टे पांव भाग जाएगी, हमें सिर्फ स्मृति करनी है। तो हमारा हिसाब किताब हमें ही पूरा करना है, पर बाबा साथ देता है। ये इसीलिए अब कोई भी जब अनुभव बोलता है ना, तो ज्ञान को करेक्ट कर सकते हैं बट अनुभव को करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जी जी सबसे जी बड़ी जी अथॉरिटी बाबा ने ना ना ज्ञान को दी है, ना योग को दी है, ना धारणाओं को दी है, ना सेवा को दी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी बाबा ने अनुभव को दी है। ओम शांति दीदी। यहाँ पर तारा दीदी के, तारा बहन के मुझे पॉइंट में ये समझ आता है कि जब उन्होंने स्वयं को ही बाबा को सौंप दिया कि बाबा ये आप, मैं आपकी आप मेरे, तो मेरी प्रॉब्लम भी तो फिर बाबा की हो गई ना, तो इसलिए मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी उनकी। चलो उन्होंने अपने आप को उस चीज से ऊपर उठाया, जैसे वो उन्होंने बोला मैं ऊपर चली जाती हूँ, ऊपर उठ जाती हूँ, तो एक ये एक माध्यम, एक तरीका उन्होंने, एक युक्ति निकाली है अपने आप को डिटैच करने का और बाबा से अपने आप को कनेक्ट करने का। ओम शांति। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओम शांति। मैं थोड़ा बोलू क्या? मुझे तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, उसकी खुशबू आती, अगर कोई पीने वाला आदमी आने वाला है घर पे तो स्मेल आती पहली कि ये आने वाला है, चाहे कोई सेंट लगा के आता है तो वो भी स्मेल आती है मेरे को पहली, और कुछ घटने वाला है तो वो मेरे को दिखा देता है कि ऐसा ऐसा पूरा दिन घटने वाला है, और वो मुझे पता चलता है।
मेरा कहने का मतलब, मेरी परीक्षा हो रही, मैं पास भी हो रही, मैं डरती नहीं, लेकिन वो मुझे पहला पता चलता है। तो ऐसा तो हो, अलग अलग अनुभव, जैसे दीदी ने बताया, सचमुच अलग अलग है अनुभव। हाँ इसीलिए वह कहा ना, ज्ञान को चैलेंज कर सकते हैं, किसी के अनुभव को नहीं चैलेंज कर सकते। और सब सही है अपनी जगह। बोलिए वंदना कुलकर्णी बहन। ओम शांति बहन, बाबा पर पूरा निश्चय रख के जो भी हम बोलते हैं या कुछ करते हैं तो ये हुआ ही पड़ा है, देखना की जरूरत नहीं है। तो ये निश्चय से हम करेंगे, करती हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पेपर आ गया हो जाएगा बस। और पवित्रता के बाबा मतलब अपना ब्राह्मण जीवन ही पहले फाउंडेशन हुई है पवित्रता, बोल तो सभी में, बोल तो कल संकल्प वाणी दृष्टि वृत्ति सब में इसकी दो बात बोली थी। ओम शांति, जी। पवित्र कर सकते हैं। अनीता, अनीता बहन बोलिए, अनीता शर्मा बहन ओम शांति दीदी, ओम शांति बोलिए, दीदी। ओम शांति बोलिए। हाँ, अनुभवी कह रहे थे दीदी कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा हम यही सोचते हैं, जब भी कोई परिस्थिति आती है तो अपने आप को यही सोचते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं तो शिव शक्ति हूँ, क्या नहीं है मेरे पास। तो बाबा ने कहा ना, तुम्हारे पास सब सर्व शक्तियां हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो इस तरह से उसको पार कर लेते। अगर कोई सीन ऐसा होता है तो तब ये चीज याद आती है बाबा की, जब जो ड्रामा बाबा को पसंद है तो वो मैं ना कैसे कह सकती हूँ, तो जो हो रहा वो ठीक ही हो रहा है, होने दो उसको। तो उसमें हम हल्के बिल्कुल ऐसा डिटैच रहते हैं हल्के, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उस चीज का। ठीक इसी तरह से फिर परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। ओम जी, शांति दीदी। इसीलिए अलग अलग विधियां, अलग अलग युक्तियां बाबा ने दी है, जो अच्छी लगे आत्मा को उसको फॉलो करके अनुभव ले। और ये एक ही सत्संग ऐसा है जो बाबा मिलके आते हैं तो पूछा जाता है कैसा अनुभव था, हाँ, या मधुबन जाकर आते हैं तो पूछा जाता है कैसा अनुभव रहा, अनुभव सुना, अनुभव सुना। ये क्यों है, ये अपने ही सत्संग में है, ये अनुभव सुनाने की गाथा, कथा, परंपरा, रिवाज, विधि, जो भी नाम दो इसको, है ना। क्योंकि हर एक के अनुभव की अपनी अपनी अपना महत्व है। और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमारा बाबा के साथ प्यार है और माया के साथ युद्ध है, तो बस फिर ठीक है, तो सब फेयर है, ठीक है। तो ओम शांति दीदी, लेकिन पद के अनुसार ही सब मिलेगा ना, जैसा आप हाँ, देखेगा वैसा पद भी होएगा ना, इसके लिए बाबा बिल्कुल दिखा रहे हैं। ओम बिल्कुल। शांति। पोल भाई जी, पोल ये करना है। जी, तब तक होमवर्क भी देना। ठीक है, देते हैं, चलिए। तो पोल का भी कर लो, तब तक हम होमवर्क बताते हैं। अभी ये जो 8 पॉइंट दिए हैं ऑनेस्टी के, उसमें से अपनी पसंद का एक ले ले, कोई भी। उतना फ्रीडम तो दे देते हैं होमवर्क में, जैसे अभी ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव। तो कल या एक ये उठा लेते हैं कि कल दिन भर में चढ़ती और उड़ती कला का अनुभव करना है। किसके आधार से? ऑनेस्टी के आधार से, जो संपूर्ण पवित्रता का आधार है, समझो। तो मैं कितना ऑनेस्ट रहकर अपनी आत्मा को, खुद को चढ़ती कला की तरफ लेके जा रही हूं, और वो भी याद रहे हमें, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब सर्व में सबसे पहला नंबर मेरा लग रहा है, बेहद में मैं कल्याण कर रही हूं अपना। 21 जन्म के लिए मैं चढ़ती कला में जा रही हूं, 21 जन्म की बादशाही के लिए, ये भी याद रखें, ठीक है। तो चढ़ती कला में जो जो बातें याद आती है वो कल सारी करें, ठीक।
तो आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति सभी ऑनेस्ट आत्माओं को, गुड नाइट। ओम शांति दीदी। ओम शांति, खूब खूब धन्यवाद सभी प्रतिनिधि जी। ओम शांति।